टाकिया पे इधर तो हुआ मालेगांव महानगर पालिका ने 1 जुलाई को दिग्विजय कंपनी को ठेका दिया, प्राइवेट कंपनी को। हम शुरू दिन से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। जब ये सवाल स्टैंडिंग में आया तो उस वक्त भी मैंने स्टैंडिंग में ये बोला कि यार ठेका देने की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त स्टैंडिंग में ये कहा गया कि यार एक प्रभाग को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि लेबर कम है, तो वो एक प्रभाग के लेबर बाकी 3 प्रभाग में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक ट्रायल बेस हो जाएगा। तो उस हिसाब से उसको मंजूरी दी गई, मगर उसमें ये भी बोला गया कि यार ये अभी जो ठेका दिया गया है ये एकदम नई पद्धति का है, इसमें लेबर प्रोवाइड करने का कोई सवाल नहीं है। मीटर के हिसाब से रोड भी साफ़ होंगी, मीटर के हिसाब से गटर भी साफ़ होंगी और डीप। तो ये भी सवाल मैं स्टैंडिंग में रखा था कि उसमें इंजीनियर नियुक्त करो, क्योंकि एसआई को तो ये समझेगा नहीं कितने मीटर रोड है और कितना। मगर ये सब नहीं करते हुए आनंद फानन में कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई से ठेका दे दिया। आज जब एसआई के लोगों के साथ मीटिंग की गई, प्रभाग 2 और 3 के कॉरपोरेटर के साथ, तो ये समझा कि एसआई को ये ऑर्डर तो दिया गया कि उनके प्रभाग के लेबर दूसरे वार्डों में ट्रांसफ़र कर दिए जाए जो परमानेंट है, मगर ठेके का ऑर्डर उनको नहीं दिया गया था उसमें। ठेके पे क्या फैसला करेंगे वो बोलो। चलो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, 1 जुलाई से आज कितनी है, 6 जुलाई है, हमारे वार्डो में सफाई हुई क्या? चलो अच्छे क्वार्टर की रिपोर्ट लो। चलो क्या हम कमिश्नर ऑफिस के पास चलो। अरे 6 दिन से एक लेबर नहीं आ रहा ठेकेदार को, क्या तुम हमको समझ के रखे हम लोगों को? कहना सर को यहाँ बुलाओ, बुलाओ राजू कहनार को यहाँ। नहीं तो राजू कहनार जाऊंगा, वहाँ चलो, उनको ही वोट प्राइवेट ठेके पे देने की जरूरत रहेगी। चलो अब तो आदेश क्या है तुम्हारे पास? ऐसे ही फोन पे बदली कर देंगे पूरे लोग। ऑर्डर का है, दोनों ऑर्डर की कॉपी दोनों करना। साहब कौन है? कोई हमारी पोजीशन क्या है, हमारे वार्डों की क्या पोजीशन है, तो उसका हल क्या है? कैसे तुमने बिना नियोजन सफाई अभी पकड़ी जाए, अभी हमारे यहाँ पकड़ी जाए? अगर जल्दी आए ठीक है, नहीं तो हमने आए ना, एक ईसाई और एक किसको जाने देंगे, नहीं तो इनको सबको वार्डो में लेके चले जाएंगे। आए अरे यार एक वार्ड में 2 लेबर भेज दे, तुम लिख ऐसा रहे कि कम आ रहे। अरे वो आ ही नहीं रहे, ये लिखने होना 2 आ रहे या 2 लेबर आए। एक वार्ड में 100 लेबर होना है, झाड़ू कामगार और वो सब मिला के 2 लेबर आ रहे हैं, तुम रिपोर्ट वही बना रहे कम आ रहे। कम का मतलब ये है कि 50 रुपया आ रहे, कल बोलेंगे 60 आए थे, 50 आए थे, 2 क्यों नहीं लिखे जब 2 लेबर आए तो? हर रोज एक लेबर बढ़ा रहे हैं आने के बाद।
तो हर रोज लिखो ना, तीन लेबर आए, चार लेबर आए, कम लेबर आ रही है, क्यों लिख रहे? ऐसा नगर कब्रस्तान के पास कटर का पानी था, मैया कुछ भी जा रही और रात तक जा रही, वैसी गटर का पानी पूरा के पूरा रोड पे जमा हुआ है। अब मैया कैसे लेके जाएगा, पार तो करना ही पड़ेगा ना। तीन घंटे का जो आदमी है ही नहीं ना, मुकादम का फोन लग रहा ना, किसका लग रहा, कोई आदमी का फोन नहीं लग रहा। अरे ठीक है, जो भी है हो गया ना, यहाँ पर आ रहे हैं ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिए? 144 लेबर होना अगर मेरे वार्ड में साहब, पहले साहब तुम्हारा पहले जितने थे वो तो बात ही नहीं करते, पहले जितने थे वो बात ही अगर तुम्हारे पास नियोजन नहीं है, टिकट रुको तो हमारे लेबर वापिस हो जाएगा, हमारे साथ बैठना बात कहता। उसमें राजू खरनार साहब भी आए, दूसरे जो स्वच्छता डिपार्टमेंट के प्रमुख थे और एसआई थे, ये सब लोग बैठे, मगर इनके खुद का आपस का कोई तालमेल नहीं है। और सारी बात समझने के बाद आज ये अभी फौरी तौर पे ये हुआ कि उसके ऊपर अगर सफाई नहीं की गई है तो डबल यानी हर्जाना उससे वसूल किया जाए, पेनल्टी लगे, तो उसके लिए 5 बजे तक ऑर्डर करने की बात बोली गई है। और कल तक अगर महानगर पालिका ने या ठेकेदार से मिलकर प्रभाग 2 और 3 में सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि आज कई जगह से अवामी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गटरें ओवरफ्लो हुई, मेरे खुद के वार्ड में 12 नंबर में नलों में गंदा पानी आया गटर ओवरफ्लो होने की वजह से, 15 नंबर वार्ड में जो है वहाँ मालेगांव हाईस्कूल वाली जो छोटी मालेगांव हाईस्कूल की रोड, वहाँ पर पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया। ऐसी पोजिशन में भी इक्तदार में बैठे हुए लोगों के पास जब कोई नियोजन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे के पैसे कमाने की नीयत, इसलिए हमने डबल उसके ऊपर पेनल्टी लगे, इसका 5 बजे तक ऑर्डर करने का बोला। और अगर कल से हमारे वार्ड में सफाई नहीं हुई बराबर तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की नोटिस देने की बात तय हुई है। हमारा क्राइटेरिया है ना, रुक जा, तुम भी बता दो कितने किलोमीटर में लेबर होना, 1000 मीटर पे 800 मीटर पे लगता है, एक आदमी तो बताओ ये वार्ड नंबर 3 के क्या है, वार्ड नंबर 3 अरे ये भी चोरी है, ये चोरी है ना, तू भी थोड़ी लेके गया, इसको थोड़ी बेच दिया बोले, हां तो चोरी होगी वापस तो करेंगे ना, अभी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाएंगे ना, रिपोर्ट बनाओ, हां सर मन्ने जे आहे कायद्याने पूर्ण कारवाई करायची, नाही तर तू पाहिजे लेकिन आज क्या सिचुएशन है, जब अच्छा था आके हमने तुम्हारी तारीफ भी की है, नहीं किया ऐसा नहीं, मगर आज है ना हमारे वार्ड में अभी गटर और स्लो हो गई सब रोड पे, और अगर कल से हमारे वार्ड में सफाई नहीं हुई बराबर तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की नोटिस देने की बात तय हुई है। ये दोनों चीज़ 5 बजे तक करने का बोले, और कल अगर इसमें सुधार नहीं आया तो फिर यही होगा कि प्रभाग 2 और 3 के जो नगर सेवक है वो खुद गटरों की सफाई करके और वो कचरा ला के कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में हम दाखिल कर देंगे, और ताकि इनको कुछ लगे, और बरसरे इक्तदार जो कोई नियोजन करे बगैर सारे काम कर लेती, सिर्फ यही सोच के मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, कचरे में रुपया ढूंढने का काम जब से लीडरों ने शुरू किया है गांव सत्यानाश होते जा रहा है, गांव में कोई सुधार नहीं आ रहा है, ये कचरे में गटर में उतर के नोट ढूंढना चाहते, यही तरीका बायो माइनिंग से लेकर वाटर ग्रीस और अब दिग्विजय कंपनी आउटसोर्सिंग इन सब में यही हो रहा है। और स्वच्छता के सवाल पे महानगर पालिका आयुक्त हो या महानगर पालिका प्रशासन
मेयर, इन लोगों ने कम स्वच्छता के मामले में शहर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इनका नियोजन नहीं है तो रुपया पैसे के लिए शहर को बीमारी की तरफ ले जाना ये सही बात नहीं है। और इसका जिम्मेदार परिसर इकतदार और प्रशासन है, जिनके पास कोई नियोजन इस सवाल पे नहीं है। चल मास्टर, ये आकाश चले तेरा पहले कचरा ही तो ऊपर से 10 से लेके 50% की